हेलो बच्चों, तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया राइट? तो डेफिनेटली आपने कर लिया होगा, बट फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए आपको एक बार फिर से करवा देता हूँ, बिकॉज इससे ही लिंक करता हुआ आगे वाला कॉन्सेप्ट भी है राइट। हम ये क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आगे वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो अब हम आपसे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्या फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। सो आप ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस कैसे फाइंड करते हैं? तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस फाइंड करने के लिए आपने कहा दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर्स। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप क्या बनाएंगे, कैश इनफ्लोस राइट। इसके बाद बच्चों क्या, देखो ईयर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 और कैश इनफ्लोस आपके पास फर्स्ट ईयर में कितने रुपीज का है भाई, 10 लाख का। सेकेंड ईयर में कितने रुपीज़ का है, 5 लाख। एंड देन कितने रुपीज़ का है, 10 लाख अगेन। एंड देन हाउ मच वी हैव रुपीज़, 5 लाख। एंड देन हाउ मच वी हैव रुपीज़, कितने रुपीज़, 10 लाख। तो ये आपके पास डिफरेंट ईयर्स का कैश इनफ्लो है ठीक है। अब मैंने कहा ये जो कैश इनफ्लोज हैं, क्या ये कैश इनफ्लोज हमारे रिकवरी ऑफ 20 लाख रुपीज़ के लिए यूज़ होंगे, बोलो नो। क्योंकि इनमें हमारी यस मिनिमम डिजायर रिटर्न भी छुपी हुई है। तो जो मिनिमम डिजायर रिटर्न इन सब में छुपी हुई है, सबसे पहले उस मिनिमम डिजायर रिटर्न को यहां से हटा देना चाहिए राइट। तो इसको हम हटाएंगे कैसे, माइनस कैसे करेंगे, वी विल यूज, हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में हमने कहा टाइम वैल्यू मनी 10% और टाइम टी, और आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कंसिडर कीजिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपके ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या क्या है, जस्ट फाइंड आउट दिस, यस प्लीज, 0.909, 0.826, 751 and then 683, right, 83 and 621, right। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस इज कैश इनफ्लो, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और आप ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यस प्लीज, कितना आ गया, 90900 एंड देन मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा 10 लाख है तो 000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 413000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 751000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 341000 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 621000 ठीक है। अब सर ये जो कैश इनफ्लोज आए हैं, ये कैश इनफ्लोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन सभी के सभी कैश इनफ्लोज जो हमने अर्न किए थे उसमें अपने मिनिमम डिजायर रिटर्न करने के बाद आपका कितना अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल की रिकवरी के लिए यूज हो सकता है। सो दीज अमाउंट कैन बी यूज फॉर द रिकवरी ऑफ रुपीज वर्थ 20 लाख राइट। तो 20 लाख रुपए की रिकवरी के लिए ये अमाउंट यूज हो सकता है, और अगर ये वाला अमाउंट यूज हो सकता है देन आई हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। और मैं ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस कैसे फाइंड करूंगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज 909000 एंड इस नंबर में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दीजिए 132000 एंड देन नेक्स्ट नंबर और ऐड कर दीजिए 2073000 एंड देन नेक्स्ट नंबर और ऐड कर दीजिए 241450 नेक्स्ट नंबर और ऐड कर दीजिए। हालांकि हमें यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, हमें तो अब रिकवरी जो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीस की करनी है, 20 लाख की राइट। तो अगर 20 लाख की रिकवरी करनी है तो 20 लाख की रिकवरी तो 2 इयर्स के बाद और 3 इयर्स से पहले हो ही रही है राइट। सो 2 इयर्स के बाद और 3 इयर्स के बीच में हमारे बेसिकली 20 लाख की रिकवरी हो रही है। तो आवर पे बैक पीरियड बेसिकली लाइज बिटवीन आफ्टर 2 इयर्स एंड बिफोर 3 इयर्स। तो हमारा पे बैक पीरियड इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमने कहा आवर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 इयर्स प्लस समथिंग। और बच्चों ये जो प्लस समथिंग है, दिस समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट अगेन, ये आपको दोबारा भी फाइंड करना होगा।
तो आप इसको फिर से कैसे फाइंड करोगे? आप इसके लिए फिर से क्या फॉर्म करेंगे? टाइमलाइन। और आप कहेंगे कि दो सालों में कितना पैसा रिकवर किया पहले ये फाइंड करो, फिर थ्री इयर्स में कितना पैसा रिकवर किया ये फाइंड करो, एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। तो अगेन टू इयर्स, तो टू इयर्स में आपने कितना पैसा रिकवर किया? 1322000। एंड देन थ्री इयर्स, तो थ्री इयर्स में आपने कितना पैसा रिकवर किया? इट्स 2073000। तो मीन्स ये हो गए आपके पास 12 महीने, 12 मंथ्स। तो इन 12 मंथ्स में आप हाउ मच टोटल अमाउंट यू आर रिकवरिंग? यस प्लीज। 751000, 751000, राइट। सो इन 12 मंथ्स यू आर बेसिकली रिकवरिंग 751000। और आप 2 इयर्स के बाद कितने पैसे आप रिकवर कर लोगे जिससे कि आपकी टोटल रिकवरी 20 लाख की हो जाए? सो 20 लाख माइनस दिस मच अमाउंट, राइट। डिफरेंस इज बेसिकली, यस प्लीज, कितना? 678000, इट्स 000, 678000, राइट। और आपको बताना है कि 2 इयर्स के बाद आपको इसके लिए कितना कितना टाइम लगेगा, राइट। सो कैसे यूज करेंगे? हम कहेंगे कि 751000 के लिए जो टाइम है वो है 12 महीने, एंड फॉर 1 रुपए के लिए जो अमाउंट टाइम है वो है 12/751000। और आपको कितने अमाउंट की रिकवरी की बात करनी है? 678000। फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर 12/751000 मल्टीप्लाई बाय 678000। तो बच्चों हाउ मच टाइम इट विल टेक? 10.83। तो 10.83 क्या बच्चों? मंथ्स। सो इट्स बेसिकली 10.83 बच्चों क्या? इट्स मंथ्स। सो दिस इज आवर डिस्काउंटिंग पीरियड, इज इट फाइन, राइट। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे बताओ सिंपल पे बैक पीरियड अच्छा है या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अच्छा है? सिंपल पे बैक पीरियड में अपने पॉजिटिव हैं, अपने नेगेटिव्स हैं। सिंपल पे बैक पीरियड का सबसे पॉजिटिव ये है कि ये सिंपल पे बैक पीरियड फाइन करना बड़ा आसान था, है ना? इतना पैसा दिया, इतने पैसे आ जाएंगे, इतने दिनों में वापस आ जाएंगे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को फाइंड करना थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, जिसमें कि पहले मिनिमम डिसाइड रिटर्न माइनस करनी होती है, फिर देखना होता है कि बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे हमारे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कितने समय में रिकवर हुआ, राइट। बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, राइट। बारीकी से सोचना सिखाता है। सिंपल पे बैक पीरियड एक ओवरऑल मेथड है जो कि बारीकी से सोचना नहीं सिखाता, राइट। तो दोनों के दोनों आपकी अपने अपने फीचर्स हैं और अपने अपने नेगेटिव्स हैं, यस ना? ओके। तो बच्चों अब नेक्स्ट इज मुझे आपको करवाना है बेसिकली एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हटा दें इसे, नेट प्रेजेंट वैल्यू बताना है मुझे। अब इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने कहा बच्चों अब आप मुझे बताओ, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल में मुझे बताना कौन सा मेथड हमारे लिए दी बेस्ट है, राइट। तो हमने कहा हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 एंड द प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंदर यू हैव डिस्काउंटेड पे बैक, you have discounted payback period, and the discounted payback period is supposed to be here 3 years, right? और यहाँ पर है बच्चों मान लो it's 2 years, right? अब बताना, अब मैंने simple payback period की बात नहीं की है, मैंने अब किसकी बात की है? Discounted payback period की। अब बताना अब कौन सा वाला method best है, मतलब कौन सा project अच्छा है, 1 or 2? 1 or 2? दी बेस्ट भाई, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का भी कम होना ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा है? कम होना ज़्यादा अच्छा है। तो इसको देख के तो यही लग रहा है दैट आवर प्रोजेक्ट 2 इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज इस में से हमारे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2 का ही कम है। सो हमें इसे देख के लग रहा है दैट आवर सेकेंड प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट, राइट। बट सर इसके साथ साथ मैं यहाँ पर
लाइफ दे रहा हूँ, और लाइफ का मतलब ये हुआ, मैंने कहा ये इसके लाइफ है 5 ईयर्स और इसके लाइफ है 2 ईयर्स, तो प्रोजेक्ट 2 की लाइफ भी 2 ईयर्स है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी 2 ईयर्स है। तो इसका मतलब है कि 2 ईयर्स में ये मिनिमम डिजायर रिटर्न अर्न करने के बाद प्रोजेक्ट के कॉस्ट की रिकवरी कर लेता है, पर उसके बाद ये जिंदा नहीं रहता, खत्म हो जाता है। ये प्रोजेक्ट हमारा 3 साल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिकवर कर लेता है, मिनिमम डिजायर रिटर्न रिकवर कर लेता है, फिर भी जिंदा रहता है, 4th साल 5वें साल भी कमा कर कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस को देता है। तो अब बताना कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, फर्स्ट और सेकंड? नाउ इट सीम्स टू बी फर्स्ट इज अ गुड वन। तो एक्चुअल में पेबैक पीरियड में प्रॉब्लम ये है कि पेबैक पीरियड कितने समय में पैसों की रिकवरी हो गई उसके बाद की तो कोई बात ही नहीं करते। पेबैक पीरियड सिंपल एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितने समय में हमारे पास वापस आ जाएगी। आफ्टर दिस क्या हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न, राइट? तो बच्चों क्या हमें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की रिकवरी के बाद सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? डेफिनेटली वी हैव टू बी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की रिकवरी की बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो है मिनिमम डिजायर रिटर्न अर्न करने के बाद भी हमारी कंपनी को कितना कैश इनफ्लो प्रोवाइड कर रहा है, नॉट टिल द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और द सिंपल पेबैक पीरियड, बट इवन आफ्टर दैट इन द ऑल ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? तो इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में हमारा प्रोजेक्ट हमें कितना कितना कैश इनफ्लो प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज वी हैव टू कंसिडर, राइट? फॉर दिस रीजन वी हैव टू फाइंड आउट एनपीवी, दैट इज कॉल्ड, क्या है ये? नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू। और जो आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स दैट इसको हम कहते हैं बेसिकली दिस इज कैश इनफ्लोस, नॉट कैश इनफ्लोस, इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। आई रिपीट, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस, क्या लिखा हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, द डिफरेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? तो बच्चों नेट, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालनी है कब तक के लिए निकालनी है, ओनली टिल द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड? नो, इट इज ड्यूरिंग द होल ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो फाइंड करनी है वो कब तक फाइंड करनी है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? तो आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइफ थी, लाइक हमारे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में 5 साल इज द 5 ईयर्स इज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो 5 साल की लाइफ के अंदर अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो इसी के ही एडिशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज इट सेल्फ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या बच्चो, कैश इनफ्लोस। हाउ मच वी हैव बच्चो, कैलकुलेट करना प्लस करके, जस्ट एड अप ऑल दिस एंड गिव मी द वैल्यू, कितना है ये, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर दीजिए, इट्स 303-5500। ओके, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द होल ऑफ द लाइफ, और इसमें से मुझे माइनस क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, यस प्लीज, आउटफ्लो, राइट? और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितने रुपीज का है, हाँ जी क्वेश्चन से देखिए ना, बताइए कितने रुपीज का है, 20 लाख, और अब इनका जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस 1035500। इज इट क्लियर? ओके, तो बच्चों ये हमने कहा दिस इज माई नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इज इट गुड और बैड, इट्स गुड,
राइट। तो बच्चों ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 1035500 है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने इस नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय आपने एक नहीं दो चीजें ऑलरेडी माइनस कर दी हैं कैश इनफ्लोस में से। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, एक तो आपने प्रोजेक्ट की कैश आउटफ्लो की फॉर्मेट में जो अमाउंट था वो माइनस कर दिया, और दूसरा आपने इसको फाइंड करने से पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकाला, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालने से पहले आपने क्या फाइंड माइनस कर दिया था? मिनिमम डिजायर रिटर्न। तो आपने सभी के सभी फ्यूचर कैश इनफ्लोस में अपने मिनिमम डिजायर रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दी, फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट कर दी, उसके बावजूद भी आपको जो बच जाता है दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। राइट, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब मैं आपसे मीनिंग पूछूंगा व्हाट डू मीन बाय दिस, तो आप कहोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो दैट रिमेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टू थिंग्स। नंबर वन मिनिमम डिजायर रिटर्न, नंबर टू कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये जो दो चीजें माइनस करने के बाद जो बच जाता है दैट इज योर बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। राइट, और बच्चों इसी को ही हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। कैसे कंसिडर कर रहे हैं? फिर से हमने कहा एन पी वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये कैश इनफ्लो होता है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। राइट, और अगर आपके पास ये जो भी अमाउंट बच गया व्हाटएवर इट इज, राइट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोस दैट रिमेन्स इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद? नंबर वन, यस प्लीज, मिनिमम डिजायर रिटर्न। राइट, मिनिमम डिजायर रिटर्न। एंड नंबर टू, आई क्या बचो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। तो बच्चों ये दो चीजें माइनस करने के बाद बाकी जो बच जाता है दैट विल बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। राइट, तो इसका ज्यादा से ज्यादा होना अच्छा है, कम से कम होना अच्छा है? एक प्रोजेक्ट का एनपीवी है 1035500, दूसरे का है 12 लाख, तो विच इज बेस्ट वन, 12 लाख और दिस वन? 12 लाख। जितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद, मिनिमम डिजायर रिटर्न निकालने के बाद बच जाए उतना ज्यादा अच्छा है। राइट, तो बच्चों हमने कहा हायर एनपीवी इज फेवरेबल टू द कंपनी। क्या लिखा? हायर एनपीवी इज फेवरेबल टू द कंपनी। राइट, अच्छा मुझे बताना बच्चों, ये जो आपने अमाउंट निकाला फाइंड किया, ये अमाउंट क्या हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? क्या कहते हो? वेदर दिस अमाउंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव? क्या ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता? हो सकता है, कब हो सकता है? देखो आपने कहा कि आपने 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इनमें से अपनी मिनिमम डिजायर रिटर्न पहले हटा दी, माइनस कर दी। माइनस करने के बाद जो भी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज आ गया है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हटाई। राइट, मान लो मिनिमम डिजायर रिटर्न माइनस करने के बाद आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20 लाख नहीं है, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपकी 31 लाख है, 31 लाख्स। राइट, तो इसका मतलब है कि आपका एनपीवी आप क्या बन गया? नेगेटिव। एंड कितना नेगेटिव? 35500। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि आपने जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो माइनस कर दिया है, ये इतना पैसा हमारे इनफ्लो से रिकवर नहीं हो पा रहा, या ऐसे कहो कि मिनिमम डिजायर रिटर्न जो आप हटा चुके हो, माइनस कर चुके हो, वो मिनिमम डिजायर रिटर्न आपको एक्चुअल में अचीव नहीं हो पा रही। अगर मिनिमम डिजायर रिटर्न आपकी अचीव हो जाती तो जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बच गया था उसमें से भी आप 31 लाख रुपीस माइनस करते तो आंसर पॉजिटिव आता।
राइट, तो आपकी एक किस्म से मिनिमम डिजायर रिटर्न अचीव, यस प्लीज, नहीं हो पा रहे, इसीलिए हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। और यू कैन से दैट यूर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, योर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन 10%, मीन्स आपने जो रिटर्न अर्न की है वो अब 10% है ही नहीं, आपके जो एक्चुअल रिटर्न है वो इस 10% से कुछ कम है। गॉट इट? और बच्चों जब आंसर ही पॉजिटिव आ रहा था, लाइक हमारा जो मेन एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हमने इस 20 लाख ही कंसिडर किया था, तो इफ आई कंसिडर दिस 20 लाख अगेन देन इट इज 1035500, राइट। अगर ये पॉजिटिव ही कंसिडर पॉजिटिव आ गया, दिस मीन्स आपके मिनिमम डिजायर रिटर्न तो अराइज हो ही रही है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हमने रिकवर कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ बच जाता है। अगर उसके बावजूद भी कुछ बच जाता है तो इसका मतलब आपके मिनिमम डिजायर रिटर्न के अलावा भी, इसके एक्स्ट्रा भी आप कुछ और अर्न कर रहे हो, तो योर एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन व्हाट मिनिमम डिजायर रिटर्न, यानी कि 10%। आपके एक्चुअल रिटर्न अब इस 10% से भी, यस प्लीज, ज्यादा हो जाती है, राइट। सो इट इज गुड और बैड? इट्स गुड, राइट। तो बच्चों अगर क्या ऐसा हो सकता है कि एनपीवी जीरो ही आ जाए, एग्जैक्टली जीरो, इज इट पॉसिबल कि आपका एनपीवी जो है एग्जैक्टली जीरो आ जाए? कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपका आउटफ्लो भी इतना ही हो जितना कि प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है, राइट। तो आपका एनपीवी कितना आ गया, जीरो। तो दिस मीन्स यू आर एग्जैक्टली रिकवरिंग योर टू थिंग्स, क्या क्या, मिनिमम रिजर्व रिटर्न एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड दिस मीन्स योर एक्चुअल रिटर्न इज इटसेल्फ मिनिमम डिजायर रिटर्न, राइट। इन दिस केस दिस मिनिमम डिजायर रिटर्न इज इटसेल्फ कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब आपका एनपीवी जीरो आ गया, इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली कितनी रिटर्न अर्न कर रहे हो, वो रिटर्न जिससे कि आपने फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट किया था। तो अगर आप एग्जैक्टली इतने ही रिटर्न अर्न कर रहे हो तो यही रिटर्न आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, IRR, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। इफ इट इज पॉजिटिव, एनपीवी इज पॉजिटिव, योर रिटर्न इज मोर देन डिजायर रिटर्न। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, योर एक्चुअल रिटर्न इज less than this 10%, है ना, and if it is zero, this means your actual return is exactly same as you had used the discounting factor 10%. Yes sir. तो बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पर ये बात की कि NPV कब, जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पक्का? चलिए अगर आप ये सब समझ गए हैं तो इसको हम आपके सामने लिख भी देते हैं, राइट। और हमने आपको सामने ऐसे लिख दिया दैट इफ, आप इसी के आगे कंटिन्यू कर लेना, दैट इफ, मैंने तीन कॉलम बना दिया इसके आगे, मैंने कहा इफ एनपीवी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो तो क्या होगा, और क्या हो सकता है, इट्स इक्वल टू नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, राइट। एंड और क्या लिखा, इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो होगा तो क्या होगा, राइट। तो अगर पॉजिटिव है, दिस मीन्स, यस प्लीज, दिस मीन्स, यस बताओ, वी आर अर्निंग मोर देन मिनिमम डिजायर रिटर्न, ऐसी है ना, हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, जितना मिनिमम डिजायर रिटर्न हमने पहले कंसिडर किया था उससे भी ज्यादा, राइट। वी आर अर्निंग मोर देन मिनिमम डिजायर रिटर्न, राइट। सो इस केस में हमें अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, राइट। इन दिस केस we should accept our project, right? And if the minimum desired return, मतलब अगर NPV negative आ गया, अगर NPV negative आ गया, तो negative आने का मतलब क्या है कि हम लोग अपना minimum desired return earn कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बोलो,
नहीं कर पा रहे, आप बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल रिटर्न है वो हमारे मिनिमम डिजायर रिटर्न से भी कम है, राइट? तो हियर वी कैन से दैट आवर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन मिनिमम डिजायर रिटर्न, राइट? तो इस केस में बच्चों हम क्या कहेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। और अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो व्हाट टू डू, क्या करें? हम कहेंगे दैट वी आर अर्निंग एग्जैक्टली सेम एज मिनिमम डिजायर रिटर्न। तो we are earning rate of return as minimum desired return। तो बच्चों अगर ऐसा है तो ऐसे केस में मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट या रिजेक्ट करना चाहिए, क्या कहते हो? वी मे एक्सेप्ट वी मे रिजेक्ट, वाई? अगर तो ये मिनिमम डिजायर रिटर्न जो है यही हमारे लिए इच्छा है, इतने में हम सेटिस्फाइड हैं, वी कैन एक्सेप्ट इट। और अगर ये हमारे लिए इससे भी ज्यादा अर्न करने की कहीं और प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वी गो टू दैट ऑप्शन, राइट? तो हमने कहा इस केस में वी, यस प्लीज, वी मे एक्सेप्ट और, यस प्लीज, वी मे एक्सेप्ट और नॉट, एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हमारे पास कुछ दूसरे ऑप्शन नहीं है तो मिनिमम डिजायर रिटर्न को ही हम अर्न करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे पास कहीं दूसरे ऑप्शन हैं, हम अपने फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट करके और अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की जगह वो रिटर्न अर्न करेंगे, राइट सर? चलिए इतना सब हमने कर लिया, मैं राइट वाला पोर्शन हटाना चाहूंगा। कैन आई डू दिस? ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनपीवी। अब एनपीवी के बाद हमें सीखना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आई रिपीट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो एनपीवी के बेसिस पर भी हमने ये डिसाइड किया कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल था या नहीं था, राइट? आप इसी डिसीजन को एक दूसरे मेथड से ले सकते हैं, दैट इज प्रॉफिटेबल इंडेक्स। I repeat, you can take the help of the word profitability index, right? और इस profitability index को अगर आपको find करना है तो how you will find out? इस purpose के लिए आप कहोगे सर एक काम करते हैं कि हम एक ratio निकाल लेते हैं, एक relationship निकाल लेते हैं, and here the relationship of the present value of cash inflows and present value of cash outflows will be computed. राइट, तो इस रिलेशनशिप को आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे कंप्यूट करोगे? यू विल से लाइक दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, राइट? हियर वी हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। तो आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितने रुपीज का है? 303,5500 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये कितने रुपीज का है? ये हमने अपना बेसिक वाला ले लिया, स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितने रुपीज का था? 20 लाख का था ना, 20 लाख। सो हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, इट्स बाय रुपीज 20 लाख। तो ऐसा करने से ये नंबर आ जाएगा, यस प्लीज, 1.5177, राइट? तो ये प्रॉफिटेबल इंडेक्स आ गया। तो बच्चों बताना, इज इट गुड और बैड? व्हाट डज इट शोज? शो क्या करता है? अगर ये 1.5177 है तो ये शो करता है डेट अपॉन वन। अगर वन रुपीज आपका कैश आउटफ्लो है तो आपका कैश इनफ्लो कितने रुपीज का है? 1.5177। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली एक रुपया इन्वेस्ट करके हमें इनफ्लोस कितना मिलेगा, इट शोज, राइट? तो हमने कहा दैट इट शोज अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज फॉर
1 रुपीज इन्वेस्टेड, 1 रुपया जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इनफ्लोज आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर, आफ्टर कंसिडरिंग मिनिमम डिजायर रिटर्न, हमें कितना मिलेगा, दैट इज बेसिकली शोन बाय दिस, राइट। सो फिर से प्रॉफिटेबल इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा होना अच्छा है, कम से कम होना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा होना अच्छा है, राइट। एंड दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मे बी, ये हमारा हो सकता है, दिस मे पॉसिबल कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एनपीवी के जैसे, पीआई मैंने लिख दिया, मे बी ग्रेटर देन 1, दिस पीआई मे बी लेस देन 1, एंड दिस पीआई मे बी इज इक्वल टू 1। बच्चों बताइए ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, क्या कहते हो? ये ग्रेटर देन 1 कब होगा? व्हेन इट विल बी मोर देन 1, क्या कहते हो? 1.5177 अपॉन 1 है, दिस मीन्स इट इज मोर देन 1। ये मोर देन 1 तब होगा जब न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। व्हेन द न्यूमरेटर इज हाई एंड द डिनोमिनेटर इज लो, देन ओनली इट विल बी मोर देन 1, राइट। तो मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं दैट इस केस में जब ये ग्रेटर 1 है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इनफ्लोज विल ऑलवेज बी मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यस प्लीज, कैश आउटफ्लो। मैं आई ओब्लिक एफ लिखता हूं, आई ओब्लिक एफ मतलब इनफ्लो, ओ ओब्लिक एफ मतलब आउटफ्लो। जब ये होगा तभी पी ग्रेटर देन 1 आएगा, राइट। और बच्चों अगर ऐसा केस है तो इस केस में हमारा एनपीवी जो होगा वो हमें भाई, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से बड़ा है तो इनका जो डिफरेंस है वो एनपीवी तो कहलाता है। सो दैट डिफरेंस इज ऑलवेज ऑलवेज वर्थ पॉजिटिव। और अगर ऐसा है तो इस केस में आई कैन से प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एंड व्हेन इट पीआई इज लेस देन 1, सो लेस देन 1 के केस में हमने कहा इट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है ये, कैश आउटफ्लो, राइट। इट मींस एनपीवी इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड, राइट। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1, दिस मींस व्हाट, यस प्लीज, दिस मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, यस प्लीज, आउटफ्लो, है ना। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर होंगे, बच्चों देखना 1 कब आएगा, जब दोनों बराबर हों, जब दोनों बराबर होंगे तो कट जाएगा, कट के 1 बच जाएगा, राइट। तो ये तब होगा जब दोनों के दोनों बराबर हों, और जब दोनों बराबर होंगे तो इस केस में हमारा एनपीवी जो होगा वो कितना होगा बच्चों, यस प्लीज, 0। और अगर ये 0 हो गया एनपीवी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रिटर्न अर्न ही नहीं कर रहे, अर्न कर रहे हैं बट सिर्फ और सिर्फ कौन से रेट से अर्न कर रहे हैं, उस रेट से जो हमारा मिनिमम डिजायर रिटर्न था, राइट। तो इस केस में प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, हाँ, प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड और मे बी एक्सेप्टेड और यस प्लीज रिजेक्टेड। तो इस केस में हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, इज इट क्लियर। चलिए बच्चों बहुत अच्छी बात, हम लोग और आगे चलते हैं, कहाँ पर चलेंगे, नेक्स्ट IRR, अच्छा इसी में हटा दें सब कुछ। चलिए तो इसके बाद बच्चों हमने आपको कहा कि हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट IRR, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट IRR। यहाँ पर तो फिलहाल 1035500 है, राइट। IRR क्या कहते हैं इसको हम, यस प्लीज, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कुछ बता भी रहा था, क्या बताया था मैंने आपको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच आवर एनपीवी इज 0, यही लिखने वाले हैं।
IRR is the rate at which our ले सकता हूं IRR इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश यस प्लीज प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज इज इक्वल टू व्हाट प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज तो उस वो रेट जिस पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बराबर होता है सेम होता है वो रेट हमारा क्या कहलाता है IRR इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एक्चुअली अर्नड बाय द ऑर्गेनाइजेशन through investment in the project हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा इन्वेस्टर हमारा बिजनेस जिस रेट से रिटर्न अर्न कर रहा है उस रेट को ही हम यहां पर बेसिकली क्या कह रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न राइट सर आई थिंक मेरे तो आपको आई थिंक समझ में आ गया बट सर मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हम इसको फाइंड करेंगे कैसे हाउ इट विल बी फाइंड आउट है ना भाई देखो हमने जब एनपीवी निकाला 10% के हिसाब से तो 10% के हिसाब से हमारा एनपीवी ये नंबर बन गया मतलब सॉरी एनपीवी क्या बन गया 1035500 राइट तो अब हमारा जो एक्चुअली IRR होगा वो कितना होगा हाउ वी विल कम टू नो राइट तो बच्चों यकीन मानो इसका मेथड जो है दैट इज हिट एंड ट्रायल कौन सा मेथड है हिट एंड ट्रायल नाम से चल रहा है हिट करो पत्थर फेंको लग गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो दोबारा पत्थर फेंको बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम्स इसी बेसिस पर देते हिट एंड ट्रायल इसका पेपर दे देते हैं हिट हो गया बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर 6 महीने राइट तो ये हिट एंड ट्रायल के बेसिस पर जब तक आप देते रहोगे ना तब तक एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा जब तक आप सिर्फ और सिर्फ हिट एंड हिट नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो पाओगे राइट जिन जिन बच्चों के मन में ये होता है ना कि अब पास हो गए तो ठीक है यार नहीं तो अगली बार हो जाएंगे क्योंकि मानो वो अगली बार ही जाते हैं और जिनके मन में ये होता है अभी नहीं तो कभी नहीं जो करना है अभी करना है राइट अब वो बच्चे बेसिकली हमेशा हमेशा पास होते हैं जो बच्चे हमेशा हमेशा भगवान से हमेशा दुआ मांगते रहते हैं एग्जाम से पहले कि भगवान एक महीना और दे दो एक महीना और भगवान फिर उनको 6 महीने दे ही देता है पर जो बच्चे भगवान से ये दुआ मांगते ही नहीं है कि टाइम और दे दो भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान जो टाइम है यही है इसी टाइम में जो है सब कुछ निपट जाए अच्छा अच्छा निपट जाए रिविजन हो जाए प्रैक्टिस हो जाए थ्योरी लर्न हो जाए एवरीथिंग विल बी देयर तो ऐसे बच्चे जल्दी पास होते हैं तो ऐसे भगवान से कुछ भी मांगो और टाइम मत मांगो क्योंकि भगवान ने अगर आपकी सुन ली तो नुकसान उस केस में भी आपका ही है चलिए IRR हम तो IRR पे हैं तो हमारा यहां पर फिलहाल जो आपका मेथड है वो यहां पर मेथड भी है दैट इज बेसिकली यस प्लीज हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि आप हिट करो मतलब देखो बच्चों थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैंने कहा मान लो ये 20 लाख नहीं है ये 25 लाख है अगर ये 25 लाख है तो आपका एनपीवी जो है वो बदल जाएगा राइट और अब आपका जो एनपीवी है वो बदल के हो जाएगा 25 लाख रुपीज इधर माइनस करेंगे एंड नाउ इट्स 503550 नहीं सॉरी 53500 राइट पर सर मुझे बताइए अगर आपका ये एनपीवी 535500 आ भी गया तो आपका जो एनपीवी है क्या एनपीवी जो 10% से डिस्काउंटेड हुआ है क्या ये 10% हमारा IRR ही बन जाएगा नो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जहां पर एनपीवी हमारा कितना हो जीरो हो
हाँ, अगर मैं आपको ये चेंज कर दूं कि 25 लाख नहीं है, ये 25 लाख ना होकर ये 303550 है, कैश आउटफ्लो इनफ्लोस के बराबर है। तो इस केस में हमारा एनपीवी कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। अगर अब ये जीरो आ गया तो इस केस में हम कहेंगे दैट आईआरआर इज डिस्टर्सन, बट एक्चुअल में ये है नहीं, एक्चुअल में ये है नहीं। तो एक्चुअल में हमने क्या किया अभी, एक्चुअल हमने यहां पर ये किया है दैट एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो किया हमने, राइट। और ये प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इनफ्लो इज 303550, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 25000000, इट्स 535500। तो आपका एनपीवी बेसिकली क्या आ गया? पॉजिटिव। इसी नंबर को मैंने ऊपर लिख दिया है, राइट। तो अगर अब ये पॉजिटिव आ गया तो व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब है कि आपका जो एक्चुअल आईआरआर है, एक्चुअल रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है, वो इस 10% से ज्यादा है या 10% से कम है? हाई है, ज्यादा है, राइट। अब अगर आपको मालूम चल गया कि जो निशाना मारना है वो इससे भी दूर मारना है, तो अब आप और ज्यादा बड़ा निशाना मारोगे, राइट। तो हमने पहले रेट लिया था 10% का, अगर आपको हिट एंड ट्रायल में और दूसरा रेट लेना है तो व्हाट यू डू, इससे ज्यादा वाला रेट लोगे, इससे कम वाला रेट लोगे? इफ एनपीवी इज पॉजिटिव दिस मीन्स योर एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन 10%, इफ इट इज मोर देन 10% यू विल टेक मोर इंक्रीज नंबर, हायर देन दिस नंबर। तो बच्चों इससे ज्यादा वाला नंबर आप लोगे क्या? आप कहोगे लेट आर इज इक्वल टू 15%, मैंने 15% ले लिया। और जब आप 15% ले लोगे तो अब आप फिर से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज कितने हैं, राइट। तो फिर से आपने कहा वी हैव ईयर्स 1, 3, 4, 5, राइट, एंड कैश इनफ्लोज तो आपको मालूम ही है, एंड द कैश इनफ्लोज इज 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख, राइट। नाउ प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालना है ना, तो क्या यूज करना होगा? पीवीएफ 15% एंड टाइम, राइट। और ये पीवीएफ बच्चों 15% के अकॉर्डिंग कैन यू फाइंड आउट दिस? इट कैन बी फाइंड आउट, पीवीएफ कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द टू मेथड्स, नंबर वन टेबल, नंबर टू कैलकुलेटर, याद है नहीं? टाइम वैल्यू मनी, राइट। तो टाइम वैल्यू मनी में आप ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हो, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 1/1 r/t होता है, राइट। तो टी आर तो मैं पता है, हियर आर इज 0.15, और टी के जगह पर फर्स्ट टाइम 1 होगा, सेकंड टाइम 2 होगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो बच्चों कैलकुलेटर से कैसे करते थे कुछ याद है? हम लोग 1.15 प्रेस करेंगे एंड देन डिवाइड प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास पावर 1 वाला नंबर आ जाएगा, राइट। तो पावर 1 वाला नंबर कितना है? 0.869। फिर से इक्वल टू प्रेस कीजिए, बस इक्वल टू 0.757, 657, 657, 571, 497, एंड देन व्हाट वी डू, ए एंड बी दीज आर टू नंबर, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू हैव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। सो 10 लाख मल्टीप्लाई विद दिस 869000, मल्टीप्लाई कीजिए, यस प्लीज। double zero, और आप इन सबको ऐड भी कर दीजिए, please add up all these numbers, 26 lakh, yes please, 86,500, राइट। अब सर ये जो नंबर आ गया है 86,500, दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से सबसे पहले तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, है ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितने रुपीज का है? 25 लाख, और बाकी अब जो डिफरेंस बच जाएगा डैट विल बी यूर एनपीवी 186,500।
और अब आपका ये जो एनपीवी है वो एनपीवी बेसिकली क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो एक्चुअल में आईआरआर है अब वो 15% भी नहीं बल्कि 15% से भी और ज्यादा है, राइट। तो अब दोबारा जब आपको और दोबारा हिट करना पड़ेगा वो हिट इससे भी बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो इससे भी और बड़ा हिट करना मतलब हुआ कि 15 से भी और ज्यादा बड़ा आर लो, तो अब आप आर ओ से बड़ा क्या लोगे, 20%। बोलो 20%। यस यस वी विल टेक आर ऑफ 20%। तो दोबारा बच्चों हिट करते हैं और देखते हैं कि सही आता है या नहीं आता। सो लेट अस हिट इट अगेन। तो हमने कहा लेट आर इज इक्वल टू 20%, राइट। तो फिर से कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, राइट। और बच्चों ये सब मैं वर्किंग दोबारा दोबारा कर रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है कि दोबारा दोबारा वर्किंग करनी है। आप इसी टेबल में अगर आगे एडजस्ट कर सकते हैं तो यू कैन डू। इसके आगे दो कॉलम और बना दो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, दैट यू कैन डू ऑल्सो, राइट। ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कैश इनफ्लोज अगेन। और इनफ्लोज अब आपके पास हैं 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है बेसिकली, हाँ जी, आप 20% ले रहे हैं ना एंटी, तो पीवीएफ बचो कंसिडर कर लेना और फिर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ए इंटू बी, राइट। तो बच्चों पीवीएफ बताइए 0.833 6 9 4 5 7 8 4 8 2 4 0 1 4 0 1, ओके मल्टीप्लाई कीजिए 833 एंड 000, मल्टीप्लाई करेंगे 578 000 7 347 2 4 1 000 एंड एड अप ऑल दिस यू विल हैव अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। ये 24 लाख आ गया आपके पास और इसमें सब आप फिर से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज रुपीज 25 लाख। तो इसका मतलब है अब आपका जो एनपीवी है वो एनपीवी अब नेगेटिव आ गया बच्चों, और जैसे ही नेगेटिव आ जाता है, एक बार पॉजिटिव आया हुआ है अब एक बार नेगेटिव आया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका आईआरआर कुछ इससे कम है, तो आपको निशाना इससे थोड़ा कम मारना होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो बच्चों जैसे आपको ये मालूम चल गया कि ये इसके बाद और इससे कम है, इन दिस केस अगेन यू विल यूज इंटरपोलेटिंग मेथड, यू कैन यूज इंटरपोलेटिंग मेथड, राइट। तो इंटरपोलेटिंग मेथड मतलब देखो हमने कहा आईआरआर ये पता चल गया कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% से क्या है ज्यादा एक्सेस 15% प्लस समथिंग, राइट। और ये प्लस समथिंग कितना है दिस इज ये नहीं पता हमें, ये जो समथिंग है यही मुझे समथिंग फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना। तो इस समथिंग को मैं कैसे फाइंड करूंगा, लेट अस टॉक अबाउट। हमने कहा 15%, अगर आप 15% की बात कर रहे हैं तो 15% पर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितने रुपीज का आपके पास अर्न हुआ था, 2686500, राइट। और जब आपने 20% लेट किया आईआरआर यानी कि रेट, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितने रुपीस का अनुमान था, हाँ जी 24 लाख। और आपको 2686500 से जो पहुंचना है वो कहां तक पहुंचना है, 25 लाख तक। तो इसका मतलब ये हुआ 2686500 से 24 लाख तक पहुंचने का डिफरेंस है 1186500, और इतने डिफरेंस के लिए जो रेट में चेंज है दैट रेट चेंजेस जस्ट
यस प्लीज 5%। और आपको पहुंचना है 2686,500 से कहां तक, 25 लाख तक, तो आपको यहां पर रिडक्शन करनी है 136,500 की, ऐसी है ना बच्चों? अच्छा ये 2 है, ये ठीक है बच्चे, ओके। तो इससे पैसा रिकवर करने के लिए ये परसेंटेज यहां पर कितना आना चाहिए, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर दिस मच ऑफ टोटल रिकवरी 5% इज द रेट डिफरेंस, फॉर दिस मच अमाउंट हाउ मच रेट डिफरेंस इज देयर, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। और जितना भी ये रेट यहां पर क्वेश्चन मार्क वाला होगा, इस क्वेश्चन मार्क वाले रेट को यहां पर नंबर को ऐड कर देंगे एंड वी विल हैव द IRR 186। तो बच्चों हमने कहा दैट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 286,500 रेट इज इक्वल टू 20%, फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 1 रेट इज इक्वल टू 20% अपॉन 286,500, फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 186,500 रेट इज इक्वल टू 20%, शट, सॉरी, यू आर वेरी करेक्ट बच्चों, यू आर वेरी करेक्ट, 5%, सही है ना बच्चों? भाई टोटल डिफरेंस में इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 5%, तो इतने डिफरेंस के लिए 5% रेट है, तो इतने अमाउंट के लिए कितना रेट होगा, यही तो फाइंड करना है यूनिटरी मेथड से, राइट। सो इट विल बी 5% अपॉन 286,500 मल्टीप्लाई बाय 186,500 एंड द रेट इज, यस प्लीज, 3.25%। और जो ये 3.25% आ गया, इसी 3.25% को हम यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे, और आप रिप्लेस कर दीजिए, नाउ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 18.25%, दिस इज आवर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इज इट क्लियर, राइट। सो इसको अब हमने कह दिया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये वो रेट है जिस रेट पर यू विल फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज आर इक्वल। और यू कैन से अगर आप यहां पर रेट 18.25% कंसिडर करते हुए पीवीएफ निकालोगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, यू विल फाइंड आउट इट इज ऑलमोस्ट जीरो, करेक्ट। सो दिस इज IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सिखाया हिट एंड ट्रायल मेथड, पर सर हिट एंड ट्रायल मेथड में जो पहला रेट लिया था 10%, वो कहाँ से लिया था, एनपीवी की कंप्यूटेशन से, राइट। पर क्या हर क्वेश्चन में एनपीवी की कंप्यूटेशन करनी होगी, और अगर एनपीवी की कंप्यूटेशन नहीं करनी होगी तो फिर हम लोग अपने आप से पहली बार में जो रेट लेंगे वो क्या लेंगे, क्या हमारे पास कुछ ऐसा शॉर्टकट मेथड है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड इतना लेंथी ना होकर कुछ छोटा हो जाए, क्या हम लोग IR की कंपटीशन इजी वे में कर सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, राइट। पर उससे पहले आपको अब तक जो किया है उसके ऊपर बेस्ड होमवर्क कर लेते हैं। तो बच्चों आपके क्वेश्चंस दैट वी हैव दैट यू कैन डू, बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको जो कि आप कर सकते हैं, राइट। जिसमें पे बैक पीरियड फाइंड करना, एनपीवी फाइंड करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना, और जिस केस में एनपीवी निकालना है उस केस में IRR फाइंड करना। सो ये सब मैं आपको आज के क्वेश्चंस में देने वाला हूँ। छोटी मोटी डाउट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, बट ट्राई आपका करना बहुत जरूरी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर
25th That's it. Okay, sir. Thank you very much. Goodbye. Bye.